हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट विद असलम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि एक्रेलिक लेज़र कटिंग के जो 3D वर्ड्स होते हैं, तो हमने जैसे कि आप देख सकते हैं टेबल पे, मैं इसका पूरा आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से इसको हमने बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा स्क्रीन डिस्प्ले पर, जो जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने ये एक लेज़र कटिंग वाला दो लेयर में हमने ये नाम बनाया है। तो फ्रेंड, जैसे शॉप्स के भी नाम बनाते हैं इसमें, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने एक प्रवेश द्वार जो होता है, वो जो कंक्रीट का बना हुआ होता है, जो एंट्री गेट होता है सबसे बड़ा, उसकी भी फ़ोटो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, उसके ऊपर हम कैसे डिज़ाइन बनाने वाले हैं और कैसे इसका हमने लेज़र कटिंग किया है, इसकी पूरी प्रोसेस बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि संत शिरोमणि नरहरि महाराज नगर प्रवेश द्वार, ये हमने लिखा है, ये डिज़ाइन हमने बनाया है फ्लेक्सोसाइन के अंदर, और इसका हमने लेज़र कटिंग से जॉब वर्क करवाया। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमने मटेरियल यूज़ किया है, इसकी भी मैं डिटेल बताऊंगा आपको, तो बने रहे वीडियो में एंड तक के, और पूरी प्रोसेस को पूरे ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डबल लेयर वाला जॉब है, जो वाइट कलर की आपको आउटलाइन नज़र आ रही है, वो 18 mm में हमने कटिंग की है फॉर्म शीट के ऊपर, और ऊपर जो आपको जो रैपिंग किया हुआ नज़र आ रहा है खाकी कलर में, तो वो रेड कलर का हमारा लेयर है जो सबसे ऊपर होगा, और वो उसका थिकनेस है 3 mm। तो फ्रेंड्स, पहला लेयर हम जो है स्क्रू की मदद से फिटिंग करेंगे, ड्रिलिंग करके हमने इसको स्क्रू में फिटिंग किया है, और इस तरह से जितने भी वर्ड है हमारी, जो पहली लेयर है वाइट कलर की, जो 18 mm जिसका थिकनेस है, वो टोटली हम स्क्रू से इसको हम फिटिंग करेंगे, और स्क्रू से फिटिंग करने के बाद में इसके ऊपर का जो लेयर है वो इसके ऊपर ग्लो से चिपका देंगे। तो देखते रहिए पूरी प्रोसेस एंड तक। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, वाइट कलर का जो हमारा 18 mm वाला फॉर्म शीट वाला लेयर है, वो पूरा इंस्टॉल हो चुका है, स्क्रू की मदद से हमने उसको फिट किया है, और रेड कलर का आपको जो 3 mm वाला हमारा एक्रेलिक जो नज़र आ रहा है, वो उसको हमने बॉन्ड से पूरा पेस्टिंग किया है, पूरा एक्यूरेसी में लेकर, और इस तरह से कुछ हम इसकी अब अनरैप कर रहे हैं, ये फाइनल लुक इस तरह से नज़र आता है।